जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो मत ये बदतमीजी है, गाली 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 गाली। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये है हिंदुस्तान की सभ्यता। कोई भरोसा नहीं है, ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है, अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहाँ से पहली चीज। नहीं एक सेकंड, नहीं तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। बोला आपने, क्या आदमी है ये शोएब जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? एक मिनट ये खड़े नहीं रह पाएंगे। ना मारूंगी ना कुत्ता साला, निकल यहां से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी डिबेट्स जिसमें शोएब जमी को या तो बहुत ही बुरी तरह बेइज्जत किया गया या फिर धक्के मार के भगा दिया गया। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे हमको क्यों पकड़ते हो, रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूँ, बड़ी इज्जत दे रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, बड़ी इज्जत दे रहा हूँ भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, अब जवाब दो, जवाब दो। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया बात खत्म। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ हाथ खड़े करो ऐसे। कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे। शोएब भाई हाथ खड़े करो। थैंक यू। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पर डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष के हवाले से ये बात आई है। आपका सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान ने, ये पूछा क्यों था? उन्होंने कह दिया जवाब नहीं है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। अजीब तमाशा। नहीं चलिए, कोई अजीब तमाशा। ट्रेन कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मतलब साबुन कैसे धोते हो, ये क्या बात है भाई। ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई, वो अमन भाई आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। यही पूछ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचते हो टाइम पर ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए, हमने कोई अजान नहीं कराई है, इनको अपने आप आए मेरे ख्याल से। दो गए कौन, ट्रेन से जाएगा कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी है, गाली 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 गाली। ये सर ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके आवाजान। ये शोएब मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा, ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए, ये संस्कार है शायद आपके। जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है इस पर। शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्यूलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, जवाब आप सवाल आपने पूछ दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्यूलर, सवाल पूछ आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्यूलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे, लगा सकते हैं। मौलाना निखत अब्बास बैठकर हिंदू धर्म को मौलाना निखत अब्बास मौलाना निखत अब्बास आप मौलवन होते हैं, मौलाना नहीं होता। पहले आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब सुन लीजिए। चलिए जी, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। हनुमान चालीसा सुन लीजिए, श्लोक बता रहे हैं नतस प्रतिमा अस्ति, ये संदेश देता। मैं तो वेद का श्लोक नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 301 तमाम चीजों के साथ तार्किक स्तर पर मैं बता रहा हूँ। ये धर्म सिखाता है, और जो मैं किताब लेकर के आया हूँ सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार
आप सर पे लगाकर लाइए हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। हाँ बाल समय रविश स्वीकार कीजिए नहीं स्वीकार कीजिए। अरबी में हनुमान चालीसा पढ़ी है, आपने बहुत मौलवीगिरी की ना, ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़ के दिखाइए। उर्दू अरबी नहीं आती, ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़ के दिखाइए। बोलिए ये है मुसलमान और ये गणेश, जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेव। वुजू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेव। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वुजू में कितने फर्ज हैं और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। ये है हिंदुस्तान की सभ्यता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कश्मीरों को पंडितों का मारा जा रहा है, ये नौटंकी है, ये सब नौटंकी है। बिल्कुल नहीं, किसी महिला के साथ रेप होना नौटंकी है। मस्जिद क्या लुक एट हिज फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं नहीं, हंसने का, आप महिलाएं हैं, आप भी मत हंसे प्लीज। किसी महिला के साथ रेप होना ये मैंने, और ये हंसने का विषय नहीं है। कमीशन पर पूछा, ये विषय नहीं। अमीश भाई, आई ऑब्जेक्ट इन योर शो। मैं न्यूज 18 के शो में ये ऑब्जेक्ट करता हूँ कि जिस प्रकार का बिहेवियर आज शोएब जमाई ने दिखाया है, जब मैंने कहा कि कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये नोट किया जाए, जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी। आप यहाँ मत आइए प्लीज, प्लीज। ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए। ये कुछ बम नहीं होता है, ना ये फट जाएंगे। आपके घर में भी होगी प्लीज। नहीं नहीं, आप दूर रहिए, आप दूर रहिए, आप दूर रहिए प्लीज प्लीज। आप दूर रहिए, आप दूर रहिए, दूर रहिए। नॉट अबाउट ड्रामा करते हैं, इट इज नॉट अबाउट ड्रामा। ये ड्रामा देखिए, एक पहले पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे पास ना आए, हमको डर लगता है, पता नहीं क्या कर बैठे। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा। आपका डॉक्टर रिजवान अहमद, देखिए ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भवा होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है, अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं, ऑडियो बंद है पीसीआर, अब ये गाली गलौज पे आप उतरेंगे। दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने, नहीं नहीं मैं तो सही कह रहा हूं, ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता ना तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। हां फालतू की बात ना बैठ जाइए, चाकू वाकू लेके आइए। एक सेकंड, शांत बैठिए आप, शांत बैठिए आप, बदतमीजी कर रहे हैं आप। गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हो भाई? बदतमीजी कर रहे हैं आप, आराम से। आप ऑडियंस के अंदर आए हैं, आराम से बैठिए ना। देखिए तारी, बोलिए बोलिए भैया, दादागिर हो। एक सेकंड, आराम से आप प्लीज। सुबह यू कर दिए, नहीं नहीं, एक सेकंड, दादा हो ना मल्ले के, क्या करते हो, विवाह करते हो? तारिक साहब छोड़िए, हाँ तारिक साहब, सर आप मेरे सवाल करेंगे, अदरवाइज डोंट टॉक टू मी। मैं सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल करिए, सवाल करिए ना। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, नहीं सवाल, मोदी जी की तारीफ करते रहे, मोदी जी की तारीफ नहीं करूंगा मैं।
मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं, का चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, आप पाकिस्तान से आए, आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? समझ गए, आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। मर्यादा में बात करिए ना, देखिए आप मुसलमान हैं, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। हुआ हुआ आपका सवाल हो गया ना। दूसरा सवाल विजय, आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा है? ठीक है, सवाल पूछा ना, सवाल पूछा ना, तारिक फतेह क्यों रखा? ठीक है, तरफ रखना चाहिए। I will not talk to you. No. ये क्या बात है? एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना। गुंडा कर दिए सर इन द कैंसर, एंड आई मस्ट टेल यू, यू आर कैंसर फॉर अ सोसाइटी, यू आर कैंसर फॉर अ सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके ठीक है, यू कैन यहां से निकलो, यू कैन गो, भागो यहां से। ठीक है ठीक है, हुआ। एक सेकंड। देखिए मैं इसके जवाब दे दूं। ना एक सेकंड, नहीं शोएब जो भाई ये बात, अब बदतमीजी कर रहे हैं, अब बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत कहा। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, अरे तुम्हें हिजाब का जिक्र कुरान में है। वुजू के मेरी नजर से अगर इस्लाम को पूछो, हाँ बताता हूँ, तुम झूठे हो शोएब भाई, बताता हूँ, हो गए हो, मैं बताता हूँ। वुजू और गुस्ल के क्या फराइज? बताता हूँ। मेरी नजर से अगर आप इस्लामी नजर से पूछें शोएब, बताता हूँ ना। बताओ गुस्ल और वुजू, अगर मेरी नजर से आप पूछो, अरे बताता हूँ ना, मुंह में बवासीर है क्या? बताता हूँ ना, मुझसे शोएब ने जवाब, सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता जी, सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, यह है तेरे सवाल का जवाब। क्यों? ये बढ़िया था गुरु। माइंड योर लैंग्वेज। आप बदतमीज किसी को बोल रहे हैं? उन्होंने आपने शब्द नहीं बोला। ये बदतमीज नेता तस्लीम रहमानी साहब को बेशर्म कहा। आप मनचले जैसे लड़के जैसा कह रहे हैं तुम कि तुम आज शाहीन बाग में चिन्ह चोर हो, तुम गॉड से नहीं, टेलीविजन पर आकर जिंदाबाद के नारे लगाती हो, करने की गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाती हो। एक सेकंड, संविधान पढ़ा शोएब जमाई, ऑडियो डाउन करिए शोएब जमाई का, शोएब जमाई का ऑडियो डाउन करिए, ठोक दूंगी। क्या बोला आपने? क्या आदमी है ये शोएब जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? कौन सी किताब लिखी है इसने? देश के तिरंगे में अपने आप को लपेट कर और संविधान की कॉपी अपने हाथ में रख कर जो इस्लामिक कैलिफेट का एजेंडा शामिल करने के लिए निकले देश में, मैं उनको भरी चेतावनी दे रही हूँ। ये देश की जनता अगर जाग गई, एक मिनट ये खड़े नहीं रह पाएंगे, एक मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे ये लोग। A few moments later, धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले, जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, जिक्र नहीं है, आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतरण कराना ही हराम है। जबरन अरे भाग क्यों गए? भाग रहे आप, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप मुफ्ती है क्या? नहीं, आप मुफ्ती है, आपको जुरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है? कैसे?
नहीं नहीं इस्लाम का हमने इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। फिरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो, मेरे बेटे को तू हराम देगा? साले तबियत खराब है, मुसलमान ही नहीं, तुझे इतना मारूंगी ना, कुत्ता साला निकल यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।